हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमएसके टेक है, वेलकम करता हूँ। तो गाइस, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को किस तरह सिक्योर बना सकते हैं। तो वैसे तो वो सिक्योर है, मगर आप उसको मज़ीद और सिक्योर किस तरह कर सकते हैं। तो गाइस, इसमें हम जो इसको मेथड है यानी सिक्योर बनाने का, उसमें ये है कि पहले आपको पता है एक पासवर्ड लगा होता है कि जिसको भी वो मिल जाता है वो सिंपली उसको लॉगिन कर लेता है। मगर यार गाइस, इसमें ये होगा कि आप जब लॉगिन करेंगे से OTP आता है, उसी तरह एक पासवर्ड ये आपको सेंड करेंगे फेसबुक वाले, और वो खाली वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो वो फिर दोबारा न्यू जनरेट करके वो आपको सेंड करेंगे। तो गाइस, इससे आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी इसको कोई भी ईजिली इसको हैक नहीं कर सकता। तो गाइस, पहले मैं आपको फेसबुक पे लेके जाके यहाँ दिखाता हूँ। आपने इसे सिंपली अपना यूज़र यानी ईमेल डाला और पासवर्ड डाला, तो मैं पासवर्ड डाल के आपको बताता हूँ। तो गाइस, जैसे आपने अपना यूज़र नेम डाला और यानी ईमेल डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करा, तो होता ये है जैसे आपका अकाउंट डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। मगर इस सिक्योरिटी जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इधर एक मैसेज आएगा जो आपका एक पासवर्ड हुआ है। ये देखें, मेरे को एक रिसीव हुआ है जो कि मेरा अभी फ़िलहाल अभी थोड़ी देर के लिए पासवर्ड वही है। तो अभी मैं देखता हूँ मेरे को क्या पासवर्ड रिसीव हो। तो गाइस, ये देखें अभी जो एक मैसेज के अंदर आया है, तो ये मेरा अभी पासवर्ड है। तो अभी मैं वहाँ डाल के आपको लॉगिन करके चेक कराता हूँ। तो अभी मेरा पासवर्ड जो था वो है, तो ये देखें अभी मैं लॉगिन करूँगा। तो ये देखें, मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ है। इसमें मैंने दो पासवर्ड का यूज़ करा है जिसके थ्रू मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ है। तो गाइस, अगर आप ये सिक्योरिटी यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो गाइस, आप अपने फेसबुक अकाउंट में आ जाइए। फेसबुक अकाउंट में आने के बाद आपको जाना है सिंपली सेटिंग्स में जाएंगे हम। तो गाइस, अभी मैं सेटिंग्स में चले गया। इसके बाद आपको जाना है सिक्योरिटी एंड लॉगिन। इस सिक्योरिटी के ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो इसमें आप इस पर जब टाइप करेंगे तो एक तो आपको जो आपके मोबाइल में जितनी भी डिवाइसेस से लॉगिन हुई होगी आपकी आईडी वो मिल जाएगा, मगर हमें वो नहीं, उससे नीचे आना है। यहाँ लिखा हुआ है यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो गाइस, जब इस पर आप ओपन करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है सेटअप। तो गाइस, इस पर टैप कर दें। तो गाइस, इधर आपको वो पासवर्ड डालना है जो अभी आपकी आईडी का है। तो अभी मैं वो पासवर्ड टाइप कर देता हूँ यहाँ। तो गाइस, पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। तो गाइस, जब आप कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ आपको स्टार्ट सेटअप पे करना है। तो गाइस, ये अभी आप सबका मोबाइल नंबर लेगा जिसके ऊपर ये मैसेज आएगा, एक OTP जिसको मैंने आपको बताया। तो आप अपना जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं वो डाल दीजिए। तो अभी मैं डाल देता हूँ अपना। गाइस, मैंने वो नंबर डाल दिया, तो मैं सिंपली इसको कंटिन्यू करूँगा। तो होगा ये जो अब मेरे मोबाइल पर एक मैसेज रिसीव होगा जो कि अभी OTP के तौर पे होगा। तो अभी उसका वेट करते हैं। ये मेरे को रिसीव हो चुका है, देखें। तो अभी मैं जो रिसीव हुआ है इसको यहाँ डाल दूँगा। तो गाइस, इस पर आप कंफर्म कर दीजिए। तो अभी ये आपके जो अकाउंट पे सिक्योरिटी होगी लग चुकी है। तो ये देखें, आपको सिंपली इसके बाद बैग होना है। तो ये देखें, अब ये सक्सेसफुली आपके अकाउंट पे लग चुकी है ये सिक्योरिटी। तो गाइस, अगर आप सिक्योरिटी का यूज़ करें तो आप काफ़ी सिक्योर अपनी आईडी रख सकते हैं, और फ्यूचर में हैकिंग अटैक से भी बच सकते हैं आप, क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल पे सिक्योरिटी, इसको कोई इतने ईजीली कोई बाईपास नहीं कर सकता। तो गाइस, अगर आप इसी तरह की मज़ीद और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।